मैं थाना जिले की साइड से कंप्लेंट रखना चाह रही हूँ। हम लोग के इधर सर बहुत सारी प्रॉब्लम है एजुकेशन का, जो आरटीई है उसके लिए जब तहसीलदार के पास जाते हैं तो हम लोग को उत्पन्न का दाखला देता नहीं है। बहुत सारे अर्जी करता है कि 1 लाख से नीचे मैं बनाऊंगा ही, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं उसमें। और उसके बाद जब एडमिशन होता है इंटरव्यू के लिए तो 3 से 4 राउंड लेते हैं कि आप जो पेरेंट्स हैं वो नॉलेज नहीं है, उनको टालने की कोशिश की जाती है उनको। उसके बाद बहुत मतलब हमारे जो एमपीजे के लोग उनसे फाइट करके एडमिशन हो जाने के बाद क्या करते हैं, वो बच्चों को अलग बिठाते हैं, अलग बिठाते हैं। उनके पेरेंट्स ने आके हमसे शिकायत की तो हमारे जो कल्याण के अफनान भाई है ये लोग ने वहाँ पर जाके स्कूल से बात की तो कैसे बच्चे की मेंटली मतलब अच्छा नहीं असर पड़ेगा कि ये फ्री में अगर गवर्नमेंट की साइड से तो आपको उनको अलग क्यों बिठाना है। तो उसके बाद उन्होंने जाके स्कूल वालों से बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, लेकिन एक स्कूल का हुआ भी अगर हम तक वो बातें पहुंची तो अगर नहीं पहुंची तो स्कूल वालों पे प्रेशर होना चाहिए, सारे बच्चों को इक्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद राशन का तो इतना बड़ा मसला है कि राशन वाला हमारे इधर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दुकान ओपन करता है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, और लेडीज़ के लिए इतना प्रेशर आई, उनको गालियाँ देता है, धक्के मारता है और स्लिप तो देता ही नहीं है। और उसके बाद इतना 5 से 7 हज़ार हमारी पॉपुलेशन है हमारे कौन गांव की, और वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो कंप्लेंट बहुत सारी है। लेकिन अब ध्यान दीजिए।